खबर शूटी लाइव, आपकी खबर तेजस्वी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 मासूम सहित 5 को रौंदा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पैदल जा रहे 3 मासूमों सहित 5 को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे 3 मासूम बच्चों की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है तथा महिला की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची छावनी पुलिस ने सभी घायलों को CSC हरैया भिजवाया, जहां हालत गंभीर थी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 बच्चों सहित एक महिला को जिला चिकित्सालय बस्ती भेजा, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार घटना छावनी थाना क्षेत्र के राम जानकी तिराहे के पास नेशनल हाईवे की है, जहां ये लोग मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रहे थे और स्कॉर्पियो चालक इन सभी को रौंदते हुए निकल गए। ये चोट आपको कैसे लगी है, क्या हुआ? लखनऊ से यहाँ करके हम लोग खड़े हुए थे साइड में, अपने बाईं साइड में, और स्कॉर्पियो वाले ने आ करके और हम लोग को टक्कर मारा। 5 लोग घायल हो गए, जिसमें हमारे 3 बच्चे हैं, हर्षित मिश्रा, अनुरुद्ध मिश्रा, आदर्श मिश्रा, रोहिणी पांडे। मौके पे थाना पांडे, राधेश्याम मिश्रा। थाने पे सूचना दिए थे? थाने पर तुरंत पुलिस पहुंची है। पुलिस पहुंची थी? हाँ, पुलिस वहाँ बैठी थी, पुलिस पहुंची है। पुलिस जो है लिखा पढ़ी की इसे तमाम पे, वहाँ जो है वही पुलिस लेके आई है हरैया। अच्छा, पुलिस ने आपको लेकर आई? हाँ, एम्बुलेंस से, और बच्चे को जो है वहाँ सुशील डॉक्टर के वहाँ भिजवाई से है। और दोनों लोग अनियंत्रित नहीं कंट्रोल कर पाए गाड़ी, आपस में दोनों मतलब सड़क को बचाने के चक्कर में आमने सामने भिड़ गए दोनों गाड़ी। किसी को चोट वोट लगी? बस हल्का फुल्का धोस आई है दोनों लोगों को, किसको ज्यादा चोट नहीं। कितने लोग थे आप? स्कॉर्पियो में 3 लोग थे और टेटा में 1 लोग थे। सब लोग सलामत है, सही है, सुरक्षित है। ये क्या मामला था, कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये छावनी के पास तिराहे के पास में स्कॉर्पियो ने आ करके और हम लोग को एक्सीडेंट किया है। हम लोग साइड में मिठाई के दुकान से थे, मिठाई ले रहे थे, आगे 3-4 लोग को एक्सीडेंट किया। उसके बाद में हम लोग को आकर के बाएं साइड में आकर के रेलिंग को तोड़ करके और हम लोग को एक्सीडेंट किया है, जिसमें हमारी वाइफ देहांत हो गया, बच्चे भी बहुत सीरियस हैं। पुलिस लापरवाही करते हुए जो है पकड़ा भी नहीं गया, गाड़ी को छोड़ दिया गया। कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो था, नंबर हम नोट नहीं कर पाए सर। घटना हुई? नंबर हमने नोट नहीं कर पाए, हमको घटना लग गई थी, फटा हुआ था और सब लोग थे और वो लोग कहीं गाड़ी पकड़ ली गई। लकी जगह गाड़ी, ये छावनी थाने के पास की घटना है, छावनी तिराहे की बात है, राजा जालिम सिंह के पास में चौराहा जो है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा प्रतापगढ़ घर है, छावनी के पास में। यहाँ कहाँ आ रहे थे? यहाँ ये तो एक्सीडेंट हुआ है तब आए हैं, पहले हम लोग का हरैया इलाज हुआ है, वहाँ के बाद यहाँ रिफर कर दिया गया। हमने बोला यहाँ ना करिए, लखनऊ करिए, लेकिन लखनऊ नहीं किया गया है। कितने बच्चों को चोट आई है, कितने लोग? 3 बच्चों को चोट मेरे आई है, वाइफ खत्म हो गई है, हमको भी चोट आया है। राधेश्याम मिश्रा बोल रहे हैं। तो आप क्या? जिंदगी हम लोग का बर्बाद कर दिया, जिसमें जो है ये सब लापरवाही बरतते हुए ऐसा काम किया गया। कार्रवाई चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? क्या सर? कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई सब हम उचित इस पे कार्रवाई चाहते हैं और उसके पकड़ करके इसकी असूल कराया जाए, उसे जो है जेल भेजा जाए। ठीक है, धन्यवाद। अभी अभी जस्ट 15 मिनट पहले हमारे पास बुलेरो से एक्सीडेंट हुए व्यक्ति आए, जिसमें सभी 3-4 लगभग 5 के अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और 3 एडल्ट हैं और 1 महिला की मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति और भी सर्जरी और भर्ती किया, वो बहुत सीरियस है, लगभग सारे ही मरीज सीरियस कंडीशन में आए हुए हैं। उनका इलाज यहाँ पे किया जा रहा है, जाने की पूरी कोशिश की जा रही है और कंडीशन कुछ लोगों की अच्छी है, कुछ लोगों की भी खराब है। खराब सर, एक ही परिवार के 5 लोग हैं, इसमें क्या कंडीशन है? इनमें जो बच्चे की महिला की मौत हो चुकी है, हाँ, बाकी कंडीशन कैसी है? हाँ, बाकी में कुछ कंडीशन ठीक है, कुछ कंडीशन बहुत बदतर है, उसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।
डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।